नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राजधानी रांची के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम प्रेस को संबोधित किए। राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड के प्रभारी अश्विनी पांडे के साथ हमारी बैठक हुई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि शनिवार को कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाएगा। आइए सुनते और क्या कुछ कहा उन्होंने। हम लोग आज आदरणीय प्रभारी के 3 दिवसीय दौरे के बाद जो उनके द्वारा दिए गए निर्देश हैं, उन पर जो उनके निर्देशों का जो अनुपालन हो रहा है, आपके माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने जो हम सबों के उपस्थिति में आदरणीय जो हमारे चारों मंत्रीगण हैं, उनकी सहमति से ये तय किया कि चूंकि आप सभी लोग लगातार जानते हैं कि लगातार आप लोग खबरें देते रहते हैं कि सरकार और बाकी लोगों के बीच संवादहीनता है, सरकार और संगठन के बीच समन्वय नहीं है, तो इन सारी बातों को खारिज करते हुए हम लोग ये समझते हैं कि कोरोना के काल में जो विषम परिस्थितियां थी, उसमें जो कांग्रेस मुख्यालय में जनता दरबार लगाया जाता था वो रुक सी गई थी। अब फिर से एक बार प्रभारी हमारे आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय उमंग सिंघार जी के निर्देशानुसार हम लोग ने तय किया है कि हर शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई होगी। जनता की समस्याओं से बारी बारी से एक एक मंत्री रूबरू होंगे और अधिकारियों तक उनकी बात को पहुंचाया जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता भी आप सबों को मालूम है। अब जब सरकार के लोग कांग्रेस के मुख्यालय में बैठेंगे तो निश्चित रूप से जनता को उसका लाभ मिलेगा और साथ ही साथ जो संगठन के लोग हैं उनको भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ आदरणीय मंत्रीगण ने ये निर्णय लिया है कि कल आज बादल पत्रलेख जी जा रहे हैं और कल आदरणीय आलमगीर आलम साहब और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे, जैसा कि वहां बैठक में हम लोगों को निर्देशित किया गया था कि कम से कम एक मंत्री 6 जिलों का दौरा महीने में करेंगे। उसके मद्देनजर आज से शुरुआत हो गई है। बादल पत्रलेख जी आज गढ़वा गए हैं, कल आदरणीय आलमगीर आलम साहब रामगढ़ और हजारीबाग जाएंगे, साथ ही साथ सिमडेगा और गुमला के दौरे की खबर है। आदरणीय रामेश्वर डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जाएंगे। तो हम लोगों का सीधा मानना है कि जो इस तरह के दौरे होंगे और जो जनता से वो सीधे रूबरू होंगे, तो निश्चित रूप से जो जनता से कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव लोग बता रहे थे या संगठन से समन्वय का अभाव बता रहे थे, उन चीज़ों पर भी विराम लगेगा। और साथ ही साथ जिस ध्येय के साथ हम लोग सत्ता में आए हैं, जो लोगों के काम का वादा करके आए हैं, उन वादों को पूरा करने में और कहां तक हम उन वादों पर खड़े उतरे हैं, उनका मूल्यांकन करने में हमें आसानी होगी। अब हम समझते हैं कि आदरणीय हमारे विधायक दल नेता और मंत्री आलमगीर आलम साहब आपको पूरे विस्तृत रूप से कि वो किस तरह से दौरा करेंगे और दौरे में कैसे लोगों को लाभ मिल सकेगा उस दौरे का। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे भी उपस्थित हमारे झारखंड प्रदेश के और मीडिया के और जिसका पीसी में आप सबका सादर देना चाहेंगे। हमको लगता है कि रांची का सारे मीडिया
साथी आ गए हैं, उसके आप सबको धन्यवाद। माइक दीजिए, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, माइक है, थोड़ा जोर से बोलिए ना भाई। जैसे आज ये जो कार्यक्रम, आज के जो कार्यक्रम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बताना चाह रहे थे, थोड़ा बहुत हमारे माननीय अध्यक्ष राज ठाकुर जी ने सामने रखे, हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी और सह प्रभारी उमन सिंगर जी आए थे, और लगातार तीन दिन विधायक दल का मीटिंग से लेकर झारखंड के तमाम संगठनों के साथ, पुराने जो कांग्रेसी थे नेता थे उन लोग के साथ बात विचार करने के पश्चात सभी मंत्री, ECC अध्यक्ष और हमारे जो माननीय प्रभारी अविनाश पांडे जी जो थे और उमंग सिंगर जी के साथ बात, दो चीज उभर कर जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, संगठन के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, तालमेल की कमी है, और इस पर चर्चा होने के पश्चात हमारे माननीय प्रभारी जी के निर्देश, प्रभारी जी के निर्देश के अनुसार हम मंत्रियों ने यह तय किए हैं कि हम लोग हर महीना में 6 जिला का दौरा एक एक मंत्री करेंगे सुविधा अनुसार। जैसे हम कल जा रहे हैं हजारीबाग, तो उसके बगल में दूसरा अगर जिला पड़ता है उस जिला में हम कर लेंगे, चाहे कोडरमा पड़ता है तो कोडरमा जा सकते हैं, अगर इधर देखे तो रामगढ़ है तो रामगढ़, उसी तरह हम लोग नए कार्यक्रम तय करके हम लोग। और ये कार्यक्रम पहले तो हम जिला ऑफिस में जाएंगे, जिलाओं से जो हमारे नेता है कार्यकर्ता है और जनता की जो भी कमी है उस बात को जो रखेंगे उनको सारी चीज़ों का हम लोग नोट करेंगे, और उसके बाद फिर दूसरा पारी में हम लोग जो हमारे समन्वित विभाग के पदाधिकारी, जिलाधिकारी जो भी समस्या है उन लोग से उसका डिस्कशन करके उसका उसी भी समाधान करने की काम करेंगे। इस दिशा में हम लोग हफ्ते का जो है जो कल आज जो गए हैं बादल जी उसके लिए मैसेज भी दिया गया है, कल हम लोग जाएंगे उसके लिए ECC में सब जगह अवगत करा दिया, संगठन के लोग कर दिया, और मंत्रिमंडल की तरफ से हम लोग की तरफ से जिला को भी संवाद दिया जाता है और अधिकारी को ECC को दिया जाता है, उसी तरह हम लोग संवाद स्थापित करके जो भी दूरिया कोऑर्डिनेशन की जो कमी है संगठन और सरकार के बीच में उस खाई को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग सुना। और मैं समझता हूँ कि जनता की अपेक्षाएं भी हमारे पास, हम जितने भी सरकार के पास ज्यादा है अपेक्षा ज्यादा है, और कोविड महामारी के कारण आप लोग जानते हैं कि 31 मार्च तक जनवरी तक अभी भी लगा हुआ था पाबंदी, कुछ लगा हुआ था कुछ स्थिति भी हुई, उसलिए जिस तरह रैपिडली हम लोग जाते थे जिला में रुकते थे कुछ लोगों से मिलते थे वो ज़्यादा बड़ा पैमाने पर हम लोग अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन इस बार थोड़ा शिथिल हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलकर उसका समस्या को सुनेंगे और लिखेंगे और इसको समाधान करने की प्रक्रिया के दिशा में आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे। इसी दिशा में आज हम लोग आपके यहाँ PCC का जो PCC के मार्फत से जो आप लोग कार्यक्रम रखा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके माध्यम से पूरे झारखंड के तमाम संगठन के लोगों को ये बात को सूचित करते हैं कि हमारे तो इंफॉर्मेशन के इलाके उससे जाएगा ही, लेकिन ये बात उनको भी मानी जब भी हम लोग का प्रोग्राम जाता है तो लोग भी अपना समस्या है उसको लेकर आए। दूसरा हम लोगों ने किया है कि हर एक महिला में 4 सप्ताह पड़ता है, 3-4 सप्ताह, तो हर सैटरडे एक एक मंत्री यहाँ पर बैठेंगे जो जिला के बाहर या इस जिला से जो भी आएंगे जो समस्या को लेकर आएंगे वो हमको देंगे, उसको सॉर्ट आउट करने के काम हमारा यहाँ से PCC से उसको करने के काम। तो हम जनता की जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी उसको, संगठन की, उसका भी हम दूर करेंगे, जनता की जो समस्या है उसको दूर करने के काम करेंगे, और मुझे लगता है कि नए प्रभारी आने के बाद जो दिशा निर्देश हम लोगों ने सम्मिलित रूप से जो लिए हैं वो हमको लगता है कि जनता के हित के लिए और संगठन के लिए मजबूती बना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।